हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज आप लोग के साथ प्रैक्टिकली और डिटेल्स में कुछ शेयर करूंगी। ये मैं रेडी हो गई हूँ और चलते हैं एंड तक। तो वीडियो ज़रूर देखना और पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर करना। ये मेरा आउटफिट रहा और चलते चलते आप लोगों से बात करते हैं। तो जिसको पसंद आए तो ज़रूर एक लाइक देके मेरे पास रहना। पहले हम आए ये ड्राई फ्रूट्स की दुकान में। ये हमारी गुवाहाटी के हाथीगांव में है। ये पहली बार मैंने देखा इतना अच्छा शोरूम। एक वो है वो अफगान, ईरान, तुर्की और कहा कि इतने वैरायटीज़ है। मैंने जितना ख़रीदना था ख़रीद के ले आया और ये मेरा एक जाना पहचाना कि दुकान शॉप निकल के आया। तो इतना वैरायटी है, मैंने सोचा एक जितना आज लेंगी तो लूँगी, बाकी सब एक बार ट्राई करूँगी। और इसमें चॉकलेट की जितना वैरायटीज़ है और इतना ही बाहर की चीज़ों की, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, वो जो कैलिफोर्निया के आलमंड, ऑस्ट्रेलिया के आलमंड, बाकी मैं क्या बताऊँ, मतलब बहुत सारी वैरायटी। आप लोग आ सकते हो, ये था हाथीगांव थाने की पास है। बहुत सारी वैरायटी चॉकलेट मिलेगा, बहुत सारी फ्लेवर की पास्ता और पिस्ता और ड्राई फ्रूट्स की फ्लेवर रोस्टेड मिलेगा। आप लोग ट्राई कर सकते हो। और ये सब पहले ही ले लिया क्योंकि हम हमेशा मॉल से लेते हैं। तो आज सोचा यहाँ से ड्राई फ्रूट्स की काम ख़त्म कर लेते हैं और फिर चलते हैं मॉल में। आज मैं इंडिया की हमारी मंथली ग्रोसरी में, इस हमारी चैनल में मैंने कभी शेयर नहीं किया। तो चलते हैं ग्रोसरी की तरफ। इतने सारे शॉपिंग थे, मैंने कुछ कुछ उठाई और बाकी घर आके आप लोगों को दिखाऊंगी। ये आप लोग ट्राई कर सकते हो। दावत की बासमती राइस बहुत अच्छे है। और यहाँ रहा ऑर्गेनिक चीज़ें, जैसे डबल प्राइस में है यार, ऑर्गेनिक मतलब प्राइस ही होते ज़्यादा। और यहाँ मुझे मिला अमूल की जो गार्लिक बटर है, वहाँ दो तीन चक्कर लगाया मैंने, कोई नहीं मिल रहा था, सिंपल बटर मिल रहा था। तो ये गार्लिक बटर मिला, मैं घर के सबके फेवरेट है, तो हमने चार उठा लिए। बाकी हस्बैंड बिल कर रहे। और ये भाई घर आ गए, घर आके ये सब गाड़ी से उतार के सब रखा। फिर हम लोगों ने चाय पाए पी, ये ले आए चाय के साथ, और फंटा ले आए थे, स्पाइड ले आए थे, वो गार्लिक बटर्स के साथ ये गर्म करके। और पिज्ज़ा पास्ता सॉस है ना, ये ले आए, इसके साथ हम खाएंगे पहले। फिर ये समिटने की टाइम है और डिटेल्स में आप लोग शेयर करो। ये पहले बाथरूम की चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँ। सोच रही हूँ कहाँ से स्टार्ट करूँ। यहाँ हमारे एक सनस्क्रीन, बॉडी लोशन और ये स्क्रब, टूथपेस्ट, और ये मैं बोलूँगी सब चीज़ बल्क में ख़रीदो। देखो बहुत सारे चीज़ें, 3-4 खरीदो तो 1 फ्री, इतना प्राइस साबुन का। ये 5 साबुन ही हमारे 350 रुपये का है। ये हैंड वॉश देखिए, सब में ऑफर चल रहा था। ऑल टोटल जितना ग्रोसरी हमने लोगों ने ओनली ग्रोसरी की पाल रही हूँ, ओनली ग्रोसरी में मेरे 1100 रुपये हमारे सेव हुआ। और ये रहा चीज़ की, चीज़ बटर और घी की कलेक्शन। दो मैंने पैकेट ऐसे ही रख दिया और वो दो, मैं वो दो डब्बा देख रहे हो ना, ये भी ऑफर में मिला, एक के साथ एक फ्री। इतना अच्छा क्वालिटी, संजीव कपूर की ब्रांड है, तो मैंने ले लिया दो। आके सोच रही कि बड़ा वाला क्यों नहीं लिया, फिर फिलहाल दो ले आया। एक में मैंने बटर दो मेल्ट करके रख दिया और एक फिलहाल खाली है। मैं जो मजरेला चीज़ ली हूँ उसको मैं रखूँगी। कभी कभी ना ऐसे चीज़ मिलता है कि मन खुश हो जाता है। मैं ऐसे ग्रोसरी के साथ छोटी छोटी चीज़ें मिलती है तो ले आती हूँ और इसमें चीज़ रखूँगी, यही सोच रहे। और ये ऑयल है, बाकी दो तीन चीज़ रह गए, जैसे मस्टर्ड ऑयल और हार्पिक, याद भी नहीं रहा और नज़र भी नहीं है। कुछ काम चल रहा था मॉल में। और ये रहा सॉस की चीज़ें, ये केचप, हॉट एंड चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस, पिज्ज़ा पास्ता सॉस
और चॉकलेट बनाने के लिए चॉकलेट पाउडर, मेयोनीज़, ये सब हो गया, सॉसेज की सॉस जितने सारे होते हैं, और बाकी कुछ घर में भी रह गया। ये हुआ मेरा कलेक्शन सॉस की, और ये रहा मसाला एंड कस्टर्ड और जो जो मसाला चाहिए। और एक चीज़ मिला मेरे ड्राई ईस्ट, ये ढूंढते ढूंढते मिल नहीं रहा, तो मैंने मिला तो 2 पैकेट ले आई। और इधर कस्टर्ड एंड एक जेली भी ले आया, जब बनाऊंगी आप लोगों से शेयर करूंगी, मुझे बहुत पसंद है, मगर फ्लेवर एक ही मिला। तो ये रहा मसाले की पैकेट वाला साइड। बहुत सारे ऑफर, मुझे इतने सारे शॉपिंग करो तो ना बल्क में हमेशा देखो, ये चीज़ आप थोड़ा थोड़ा करके 2 महीने में खरीद ही लोगे, मगर मैं चाहती, मेरी जितना एक्सपीरियंस है, मैं बोलूँगी बल्क में चीज़ें खरीदो। और ये ड्राई फ्रूट्स की दुकान से जो जो खरीदे थे ये मैंने डब्बा में लगा दिया, ब्लैक रेजन, ये कैलिफोर्निया आलमंड, छुआरा एंड पिस्ता, और ये केसर ले आया। केसर के साथ माल में छोटा सा एक डब्बा मिला, मैंने सोचा केसर तो ले लिया, तो केसर को भिगाने के लिए एक डब्बा भी मिल गया, मैं ले लेती हूँ। केसर भी बहुत अच्छी क्वालिटी की है। इधर ऑयल, और ये मंचिंग के लिए, और ये सिलेक्शन आटा, आजकल हम ये सिलेक्शन आटा खा रहे हैं। और इतने सारे चीज़ें, ऑलमोस्ट 7000 का चीज़ें खरीदा ना, ऑलमोस्ट नहीं, 6800 समथिंग का राशन खरीदा, तो 3 पैकेट आटा हमें मिला फ्री में। साथ में तो 1100 का ऑफर वो मिला, बचत हुआ। और उधर जा जो ग्रोसरी होते हैं, सूजी, आटा और क्या, बेसन, सॉल्ट, और ये रहा मेरी वेजिटेबल की पैकेट बैग, जैसे भिंडी हो जाते हैं, पोटल हो जाते, छोटे छोटे सब्जियां जैसे फ्रिज में रखो तो इधर उधर हो जाते, कितना डब्बों में, मैं तो डब्बे में रखती हूँ, कभी कभार फिर छूटा पड़ जाता है ना, तो हाँ प्लास्टिक यूज़ करना इतना अच्छी बात नहीं, फिर भी मैंने खरीद के ले आया, कभी कभार यूज़ करूँगी, अच्छी क्वालिटी भी ज़्यादा अच्छी नहीं है, फिर भी मैंने ले आया, कोई कुछ तो काम आएगा। या भी बेलीफ आप रख सकते हो वैसे। चलो ये हो गया। और सॉल्ट देखिए, ये सॉल्ट आप ज़रूर यूज़ कीजिए, इसमें लो सोडियम है, थोड़ा प्राइस ज़्यादा होता है, मगर मैं चाहती हूँ ये सोडियम की वजह से काफ़ी इश्यूज होते हैं बॉडी में, तो लो सोडियम होना चाहिए। हाई प्रेशर के लोग है, डायबिटिक है, उन लोगों के लिए ये, हमें तो ये सब की कोई बीमारी नहीं है, फिर भी हम हमेशा ये यूज़ करते हैं। कभी कभार अगर ना मिले तो टाटा का जो एक्टिव सॉल्ट मिलते वो लेती हूँ, मगर ये हम हमेशा यूज़ करते हैं। थोड़ा प्राइस डबल है, कोई बात नहीं, खाने की चीज़ों में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। और ये कॉर्न, बेसन, ये बड़ा चाउमीन की पैकेट, आज मैं वो चैनल की पहली बार डिटेल्स में शेयर कर रही हूँ। बिस्किट थोड़ा ही ले आया, क्योंकि बिस्किट हमेशा डिफरेंट लाते हैं वो हमेशा कहीं से। और ये ग्राउंड नट, ये रहा हमारा उरद दाल, जो बहुत सारी मेरे फैन है, फ्रेंड्स है, जो हमारी वीडियो देख के बोलते हैं मैं डोसा कैसे बनाती हूँ, इडली कैसे बनाती हूँ। डोसा में बेसिकली ये ही दाल लगती है, उरद दाल देख लेना, ये वाइट वाला उरद दाल है, इसके साथ डोसा बनते हैं और इडली बनते हैं और बनते हैं वो क्या बल्ले, दही बल्ले की बल्ले बनते हैं। और ये भी ऑफर में मिला, देखिए 5 किलो की इंडिया गाइड बासमती के साथ, और एक वैरायटी इंडिया गाइड बासमती 1 किलो की पैकेट फ्री मिला, मतलब बहुत सारे बचत हुआ। भले ही बहुत बड़ा ग्रोसरी कर लिया, बट फिर भी मैं बोलूँगी बहुत फ़ायदे में रहा। तो ये मैं डिटेल्स में मेरे चैनल में शेयर कर रही हूँ, कैसा लगा आप लोगों को, और कुछ जानकारी हासिल किया तो कमेंट सेक्शन में छोटा सा एक कमेंट देना। फिलहाल इंडियन ग्रोसरी में हर घर में ऐसे होते। और ये रहा चने की दाल, और ये रहा सोया चंक, ये मैं काट के बनाऊंगी आज,
रात को रोटी के साथ, ज़्यादा फूल के बड़ा हो जाता है। ये है मशकलाई दाल, और ये रहा उड़द दाल, अरहर दाल सॉरी, और ये रहा पुलाव की जो जहा राइस होते हैं, ये पुलाव के लिए जो अलग से आते हैं। और ये मूंग दाल घर पे है, मसूर दाल ले आई, और ये रहा पास्ता, ये वाला पास्ता मैंने खुला ही लाया, बड़ी अच्छी क्वालिटी की, और पैकेटिंग पैकेट करके रखा है, अच्छे करके सुंदर करके रखा है। तो मैंने सारे चीज़ें समेट लिया, और ये सोया को मैंने भिगो दिया था गर्म पानी में, इसको मैंने चार फाली करके रख दिया। और ये जैसे काची से काट लिया मैंने छोटा छोटा करके, क्योंकि छोटा छोटा मसाला अंदर अच्छे से होगा। तो इसका मैं एक खारी बनाया, जैसे मीट की सब्जियां मसाला सब डाल के, ये रोटी के साथ बहुत अच्छा लगा। तो मैं विदा ले रही हूँ। स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।